हेलो लवली व्यूअर्स, तो आज हम बनाएंगे होममेड पिज़्ज़ा जो कि घर पे बहुत इजीली बन जाता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए बटर, कैप्सिकम, अनियन, टमाटो, मोजरेला चीज़, ओरिगैनो, चिली फ्लेक्स। आप कोई भी वेजिटेबल डाल सकते हैं, मेरे घर पे ये वेजिटेबल्स अवेलेबल थी तो मैंने ये रख ली। और सबसे इम्पॉर्टेंट पिज़्ज़ा सॉस, तो पिज़्ज़ा सॉस भी हम ले लेंगे इसके लिए। और उसके बाद हम लेंगे एक पिज़्ज़ा बेस जो कि इजीली किसी भी बेकरी शॉप से आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इस पर अच्छे से बटर लगाना है अपने पिज़्ज़ा बेस पे। उसके बाद हम इस पर लगाएंगे चिली, जो हमारी पिज़्ज़ा सॉस है उसको हम लगा लेंगे इसके ऊपर। देन मेरी कैप्सिकम, मेरी फेवरेट वेजिटेबल। आप भी मुझे बताना आपकी फेवरेट वेजिटेबल कौन सी है कमेंट बॉक्स में। मेरी तो कैप्सिकम है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। फिर हम डालेंगे इसमें टमाटो, आप इसमें कॉर्न्स भी डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो आप और वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं। अनियन, देन पनीर, मैंने इसमें पनीर भी डाला है, अगर आप चाहें तो पनीर डाल सकते हैं वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे चीज़, मुझे बहुत चीज़ी पिज़्ज़ा पसंद है तो मैंने इसमें बहुत सारा चीज़ डाला है। आपको जैसा पसंद है, अगर आपको ज़्यादा चीज़ वाला खाना है तो आप ज़्यादा चीज़ डालिए वरना आप कम भी डाल सकते हैं। फिर मैंने डाला है चिली फ्लेक्स और ओरिगैनो, इसे हम अच्छे से डाल लेंगे इसके ऊपर। और ये जो हमारा पिज़्ज़ा बेस है, सारी वेजिटेबल्स हमने इसमें डाल ली है और ये रेडी हो गया है। अब हम इसे अपने माइक्रोवेव में रख देंगे। तो चलिए अब हम इसे माइक्रोवेव में रख रहे हैं फॉर 10 मिनट्स। अब 10 मिनट्स के बाद हम देखते हैं हमारा पिज़्ज़ा कैसा बनता है। अब मुझसे वेट नहीं हो रहा है, मुझे बहुत भूख लग रही है। लेट्स सी ये कैसा बनता है। सो देखने में तो बहुत यम्मी लग रहा है, और सीरियसली गाइज ये बना भी बहुत यम्मी है। आप लोग भी अपने घर पे ट्राई करो और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि वो पिज़्ज़ा कैसा बना। ठीक है, ओके गाइज, ठीक है, फिर आप भी पिज़्ज़ा एंजॉय करो। फिर मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय।